आई रिवॉच्ड वन पीस फिल्म रेड बट इन हिंदी डब। हेलो, आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला है कि मुझे फिल्म रेड फिर से देख के कैसा लगा। और इस बार तो हिंदी में देखा मैंने, तो क्या अलग था, क्या अच्छा लगा मुझे, क्या बुरा लगा मुझे, क्या तुम्हें देखना चाहिए, मैं ये सब कवर करूँगा। अगर तुमने रेड अभी तक नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। हाँ, कुछ इररिलेवेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन उनको मेजर स्पॉयलर्स मत समझना, फालतू बातें हैं वो। चालू करें बातें, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस कि मेरे बहुत कम एक्सपेक्टेशंस थे इससे, क्योंकि एक वन टाइम वॉच मूवी है, तो आई न्यू मैक्सिमम टाइम मैं बोर ही होऊंगा, एंड ऐसा ही हुआ। जितना भी स्टोरी वाला पार्ट दिखा ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं उन सबको स्किप किया है। स्किप मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है, नहीं देखा जा रहा था भाई वापस से। एक तो स्टोरी बोरिंग है, प्लस फ़ोन में देखा मैं, थिएटर एक्सपीरियंस था इस मूवी का स्पेशल चीज़, और वही मिसिंग था। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही लगा मुझे। लेकिन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम थिंग्स। पहला, इसका हिंदी डब। ऑब्वियसली मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसके हिंदी डब में ना बहुत जगह पे ये लोग एकदम प्रॉपर हिंदी बोले हैं, लेकिन बहुत जगह क्या बकचोदी वाले डायलॉग्स मारे हैं इन्होंने। एक डायलॉग है कोबी का जिसको सुन के मैं इतना ज़्यादा हंसा था। कोबी बोलता है कि रुको होता, सब खत्म हो चुका है, कोई होशियारी नहीं चलेगी। What the fuck भाई, ये क्या डायलॉग था। एंड जिम्बे को भाई क्या ठरकी बना दिया इन्होंने। ये डायलॉग सुनो, लगता है यहाँ तो मरमेड्स भी आई हैं, बहुत मजा आने वाला है। पर ये बताओ, ऐसे कपड़े पहनना जरूरी था क्या? आई एम नॉट श्योर ये सेम डायलॉग जापानीज डब में भी था कि नहीं, बट जिस स्ट्रेट फेस से हिंदी में जिम्बे ने बोला ये चीज, मजा आ गया। ऑल्सो मुझे मूवी का जो स्टार्टिंग का मोनोलॉग था वो बहुत पसंद आया। पता है, इसके डब को सुन के यू कैन ईजिली टेल कि ये बहुत लो बजट में किया गया है। मैंने सारे मेन कैरेक्टर्स की आवाज़ सुने, एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि 5-6 लोग ही आवाज़ चेंज करके सबका आवाज़ दिए हैं। एंड ऑल दो आई रिस्पेक्ट देयर वर्क, बट आवाज़ चेंज करने वाला हरकत ढंग से हुआ नहीं है। आई माइट बी रॉन्ग दो। इसका मोनोलॉग का डब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मैंने बोला। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको सुन के मुझे डोरेमोन के हिंदी डब मूवीज़ की याद आ गई, गूज़बम्प्स आ गए थे भाई इसको सुन के, एंड फुल नॉस्टैल्जिया हिट किया मुझे। बाकी बात करें एक्शन की, तो एक्शन मतलब सेम ही था, बट उसका जो डब था, इट डिडेंट फील गुड। की जरूर शैंक्स की आवाज़ भाई, नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं जमी। फुजितोरा का ठीक था, उता की आवाज़ अच्छी लगी मुझे, उसका एक लाफ सुन के मज़ा आ गया। लिसन इट टू योर सेल्फ। स्ट्रॉ हैट्स में नामी की आवाज़ बस ढंग की लगी मुझे, बाकी स्ट्रॉ हैट्स की अ बिग नो, स्पेशली चॉपर। ये क्या आवाज़ है, कैन समवन टेल मी। हिंदी जो ट्रांसलेट किया है इस मूवी का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट वॉइसेस जो यूज़ किया है वो मैच नहीं हो पाया ओरिजिनल से। ऑल्दो इस मूवी को एक न्यूबी देखेगा तो शायद ही उसे कोई दिक्कत होगी, बट ये एक वन पीस की मूवी है, ऑब्वियसली इसको कोई न्यूबी नहीं देखने वाला। उता के जो गाने हैं उसको इन्होंने जैपनीज ही रखा है, गुड डिसीजन। बैकग्राउंड स्कोर जो है वो भी सेम है एज द ओरिजिनल डब, ऑब्वियसली अनदर गुड डिसीजन शायद। ओवरऑल डबिंग की क्वालिटी अच्छी है, बट डबिंग वो फील नहीं देता ओरिजिनल वाला। तो द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या तुम्हें मूवी हिंदी में देखना चाहिए। अगर तुम्हें मेरे जैसे बस एक्सपीरियंस करना है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड वाईफाई है, तो या श्योर गो फॉर इट। कुछ सीन्स आई एम श्योर तुम्हें भी पसंद आएगा, जैसे कि इसका मोनोलॉग, लेकिन क्या ये डब तुम्हारा फर्स्ट चॉइस होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, ओरिजिनल इज़ फार मोर बेटर देन दिस। मेरे को एक्चुअली इसके हिंदी डब बनाने के पीछे का लॉजिक भी समझ नहीं आया, किसके लिए बनाया है इन्होंने ये मूवी। अगर स्टैंड अलोन होती तो समझ भी आता, बट ये एक सीरीज़ की मूवी है यार। ऑडियंस को अगर इंग्लिश या जापनीज समझ नहीं आता तो वो उस सीरीज़ को देख ही कैसे पाते, राइट? अनलेस वो हिंदी एपिसोड एक्सप्लेन वाले चुतिया आप किए हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड इस चीज़ के पीछे डब करने वाली कंपनी का दिमाग क्या था। मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए ये बस एक बार का कंटेंट है। वेट, डिड आई जस्ट कॉल माई सेल्फ अ क्रिएटर? नहीं नहीं, मेरे जैसे दल्ले के लिए ये एक बार का कंटेंट है बस, दैट्स इट। कहाँ से डाउनलोड करना है ये सब मत पूछना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं टॉरेंट से डाउनलोड किया हूँ और उसका लिंक मैं दे नहीं सकता ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस। रेड मूवी अभी तक नहीं देखा है तो आई रियली एडवाइस यू टू वॉच इट इन द बिगेस्ट स्क्रीन अवेलेबल। एंड नॉन कैनन मूवी है तो एक्सपेक्टेशंस कम रखना, एंड जैपनीज में ही देखना, ये हिंदी में देखना इज़ नॉट वर्थ इट। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट दिस अमेजिंग कॉमिक कॉल्ड किंग बी।
दिस इज़ अ न्यू ऑनगोइंग ऐसे का एक कॉमिक जो कि तुम्हें मिल जाएगा वॉइस मी में और भी बहुत से कॉमिक्स हैं जिन्हें तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें किंग बी का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से चेकआउट करना। इस चैनल को तुम इनडायरेक्टली सपोर्ट ही करोगे बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में और सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।